हाँ सही। मैं एक ऑर्डर डाला हूँ एक्चुअली, इधर ही हिंटी होना चाहिए था। ये जो लो है, ओके, मैं अभी ओपन किया। ओके, 92.10 से इसका पोजीशन है रिलायंस में। ये इधर से ऊपर मुंह होना चाहिए, हाँ, ये जो लो से, ओके, कल का जो लो है उसको टच नहीं करना चाहिए। ओके, इधर तक तो नहीं आएगा, दिस इज द स्टॉप लॉस। 92.10 से ये अपसाइड में मूव होना चाहिए। ओके, इसका स्टॉप लॉस ये वाला है, देखेंगे, मतलब स्टॉप लॉस किधर भी रख सकते हैं। पहला ऑर्डर मिलने दो, ये तो ऊपर जाना चाहिए। इसका जो पहला टारगेट है ये वाला है, ये हाई के ऊपर, हाँ, ये जाना चाहिए। जाके इधर से सेलर्स मिल सकता है अगर मिलना है तो, हाँ, नहीं तो इधर से ये ऊपर जाके उधर ही जाना पड़ेगा। ओके, ये लॉजिक क्या है, एक ही से मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। ओके, रिलायंस में क्या हुआ था, अगर इफ आई ओपन, ये लोअर लो करके नीचे आ रहा था, ये विद वॉल्यूम नीचे ये गिरा था, सही है ना। अगर ये विद वॉल्यूम नीचे गिरा है, इसका मतलब क्या होता है, कल ये लो के नीचे, कल का लो के नीचे इसने क्लोज कर चुका था विद वॉल्यूम। ओके, बाद में इसमें वॉल्यूम रिकॉर्ड हो चुका था, देखो ये वॉल्यूम को इसने ब्रेक किया था, जो हाईएस्ट वॉल्यूम था ये वाला था, ये वाला है। इसका मतलब है आज का ओपनिंग सडनली ये स्ट्रांग हो चुका है। इसका मतलब है ये जो कैंडल है, ये कैंडल से कल लो से इसमें बायस इसमें मिलना चाहिए। अगर ये देखो एक बार प्राइस आ चुका है इधर, अगर इधर तक नहीं आता है ना, मैं अपर लेवल में बाई करने की कोशिश करता हूँ। कल का जो सिग्निफिकेंट कैंडल है ये लेवल से भी मैं इसको बाई करने का कोशिश कर सकता हूँ। इसका है कितना है, 97.6, 97। ओके, लोअर लो मतलब लोअर लो ही में ही है, इधर तक आना चाहिए, आना पड़ेगा इसको। ओके, नहीं तो ये लेवल से हम इसको बाई करेंगे, नहीं तो ये लेवल पे आके इसको इसमें बाइंग होना चाहिए। इसका जो स्टॉप लॉस है, कल का लो को टच नहीं करना चाहिए लॉजिकली, दैट इज द स्टॉप लॉस। नहीं तो इधर भी हम रख सकते हैं, कल इधर तक लो बनाया था, इसके आसपास में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फिर भी बैठ रहा है 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस में, तो मैं एग्जीक्यूट ऑर्डर तो डाला हूँ 92.10 पे, देखेंगे क्या ऑर्डर मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा। ऑलराइट, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ऑर्डर, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसका जो सेक्टर है ना, इसका जो सेक्टर है, सेक्टर में निफ्टी एनर्जी है, एक लेवल है ना, देखो क्या है, ये नीचे गिर के ऐसे उठ के रिट्रेस कर रहा था। इसका मतलब है इधर एक सपोर्ट है, कौन सा सपोर्ट है, जब ये लो बनाया था ना, ये जो कैंडल में मतलब लो बनने से एक सपोर्ट बनाया था, ये लेवल पे इसको अटकना चाहिए प्राइस। ओके, ये लेवल पे ये अटकना चाहिए, वो कारण से मैं मतलब इधर से ये मूव होना चाहिए अपसाइड में, देखेंगे। ओके, ऑर्डर एग्जीक्यूट अभी तक हुआ, ओके हो गया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। ऑलराइट, ओके, इसका जो स्टॉप लॉस है, अभी स्टॉप लॉस क्या है, लोअर लो नहीं करना चाहिए, इधर से ही ये मुड़ना चाहिए, ऊपर मुड़ेगा तो कल का जो लो है 86 इज द स्टॉप लॉस। ओके, एटी 85.9 पे रखेंगे, 10 पैसे नीचे। ओके, ऑलराइट, इसका जो स्टॉप लॉस है मैं रखती हूँ 86 पे, 10 पैसे नीचे रखा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, ये इधर से अपसाइड मूव होना चाहिए। ओके, तो देखेंगे ये कैसे बिहेव करेगा। ऑलराइट, स्टॉप लॉस तो प्लेस्ड है, स्टॉप लॉस पे कभी उधर तक नहीं जाएगा। हमें क्या सीखना है मार्केट में, स्टॉप लॉस को किधर रखना है बोल के, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्टॉप लॉस इधर जो रख दिया है, ये डेफिनेटली हिट नहीं होगा। ओके, इसमें जो 86 है, कल का लो है, हाँ, उधर तक डेफिनेटली नहीं जाएगा। अगर एनर्जी को देखते हो, दिस इज द जोन, इट शुड गेट अ सपोर्ट फ्रॉम हियर। ये लो से इधर इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। और एक आर्टिफैक्ट क्या है, निफ्टी जो है अभी भी ये हायर आई स्ट्रक्चर में ही है, हाँ, मतलब ये कल हाई वॉलेटाइल कैंडल बना था, सही है ना। ये जो हाई है 73, 73.65, 73.5, ओके, ये हायर हाई कर चुका है, सही है ना। अगर लोअर लो करना है तो इसके नीचे रहना पड़ता था, वो कारण से, हाँ,
मतलब ये तो सपोर्ट कर रहा है। ओके, अभी ये जो लो है ना, इधर से ये उठना चाहिए, कभी डेफिनेटली ये लेवल पे नहीं आएगा। इधर वॉल्यूम भी बढ़ चुका है, ये ऊपर ही मुंह होगा। ओके फाइन भाई, मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ, देख लो क्या स्टॉप लॉस हो जाएगा, नहीं तो प्रॉफिट मिलेगा। ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसके इसका जो टारगेट है ना, इसका मतलब है क्या है, विथ वॉल्यूम नीचे गिरा है ना, ये अचानक से ये इसके ऊपर खुल रहा है। ओके, उसका मतलब है अगर इसमें सेलिंग नहीं शायद बाइंग हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर इसके नीचे बाइंग हुआ है तो इसके ऊपर से इसको सेलर्स मिल जाता है। ओके, इधर तक तो जाना ही है, इसको टच करना ही है। इसलिए इसमें क्या है, अगर लॉजिकली हम बात करते हैं ना, ये तो एक बुलिश स्टॉक है, बुलिश बुलिश मूड में है। ये इधर से इधर तक गया था, ये इधर तक लोअर लो किया था। अगर ये हायर ही किया ना आज, हाँ ये जो स्विंग है इधर तक भी ये जा सकता है। ये जो लेवल है ना, इधर तक भी जा सकता है। मैं तो टारगेट को, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला इधर से गिर रहा था ना, तो इसको ब्रेकआउट अपसाइड में करना चाहिए। मैं कभी भी छोटा टारगेट के लिए बात ट्रेड नहीं करता हूँ। लॉजिकली इसको जाना है, ये लेवल ये इसका टारगेट है, हमें देखना पड़ेगा कि उधर तक जाएगा नहीं जाएगा। ओके, पहले तो स्टॉप लॉस बचना चाहिए। ओके, स्टॉप लॉस पहले बचना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। गया ना, टारगेट होगा क्या है, ये लेवल होगा, नहीं तो ये लेवल पे जाएगा। ओके फाइन, ये था आज का ट्रेड। हाँ देखेंगे क्या ऑल्टा, मतलब ये गया भी ना, इसमें क्या जाएगा, मेरा 1000 रुपीज जाएगा, हाँ उससे ज़्यादा नहीं। ओके फाइन, और भी स्टॉक्स था मेरे पास, JSW स्टील है, शायद वो कंफर्म नहीं कर रहा है, देखेंगे कैसे है बिहेव करेगा। ओके, इसको देख लो भाई, एनर्जी देखो, यही लेवल से, ये जो लेवल था, कौन सा लेवल है, जब ये लोअर लो किया था ना, जब ये लोअर लो किया था, इधर एक सपोर्ट को इसने बांधा था। ओके, ये लेवल है क्या, इसको लो को टच किया क्या, अभी ये प्रोटेक्टेड है, देखो ये लो प्रोटेक्ट है, ये हाई राइ करना शुरू कर दिया, सही है क्या, हाँ ये इधर से मुड़ना चाहिए। ओके फाइन, रिलायंस भी इधर से मुड़ना चाहिए अपसाइड में, एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हो चुका है, सही है ना, सपोर्ट का फॉर्मेशन हो, ये लेवल के ऊपर क्लोज करना चाहिए, नहीं है खराब नाटक करेगा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके फाइन, निफ्टी भी ऊपर मुंह होना चाहिए, ये जो लेवल है इसने हायर ही कर रहा है, इंटरडे का हाई बना दिया भाई, चलेगा ऊपर। ओके फाइन, JSW स्टील में एक प्रॉब्लम है, JSW स्टील में क्या है, ये जो कैंडल है ना, ये ब्रेक इन साइड लेवल है, ये जो कैंडल है, कल इसने इधर रेजिस्टेंस लिया था, तो उसका आज ओपनिंग भी नेगेटिव है। ओके शायद इधर से ये क्या है, नीचे आ सकता है, ट्रेड नहीं करना, इसका बुलिश स्टॉक है, जाना ऊपर है, लेकिन आज कोई ट्रेंड कंफर्मेशन इसमें नहीं हो पा रहा है, कोई लेवल पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो हायर है, मतलब ये जो लेवल था ये जो लेवल था, इसके भी कोई ये नहीं मिल रहा है। ओके तो एक कारण से अभी देखो, रिलायंस में ये अपसाइड में मुंह होना शुरू हो गया, पहला टारगेट है 26, अगर 26 पे गया ना 1:45 का ट्रेड मिल जाएगा, तो 34 पे देखना पड़ेगा, नहीं तो वो लेवल को भी ये लेवल पे मॉनिटर करना पड़ेगा। ओके ये जो पहला है 34.6, इधर इसको क्या मिलता है, ये मिल जाता है। हाँ फाइन भाई, हाँ मिलेंगे। और एक चीज़ है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, मुझको देख के कोई ट्रेड नहीं करना है। ओके ये मेरा एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है, हाँ गलत भी हो गया, मेरा स्टॉप लॉस प्लेस्ड है, अब कोई बेवकूफ़ी नहीं करना। हाँ हम ये सारे करके, किसी को फॉलो करके, रोड पे आके ये बता रहा हूँ। हाँ अगर आपको मेरा बात समझ में नहीं आता ना, आगे आपको समझ में आ जाएगा जब रोड पे आओगे। मेरे बात से बुरा मत मानो, मैं बार बार यही बोलता रहता हूँ, क्योंकि मार्केट है ना, जब तक नॉलेज नहीं है ट्रेड नहीं करना है। हाँ रिस्क मैनेजमेंट है, इसमें कोई गारंटी नहीं है मार्केट में, ये लो भी टूट सकता है, ये लो भी टूट के नीचे गिर सकता है। ओके ये कोई पोस्ट ऑफिस का स्कीम नहीं है, मैं बोलता रहता हूँ बार बार। हाँ ये लो को भी कोई गारंटी नहीं है, इसमें एक रिस्क के साथ हमें स्पेकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ चलो भाई।